What's up, welcome back to my channel, my new video. So guys, today it's 28th September of Monday and right now it's 9 PM और 60 days का ये first video है और मैं अभी just उठा हूँ and उठने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ I don't have any idea but एक दो चीज़ मैंने याद वो करनी है start. First of all उठते ही मैं यहाँ पे पानी तो पहले पी चुका पर अभी मैं सोचा कि वीडियो बनाए रहो तो वीडियो में पी लेता हूँ. अभी पानी क्यों पीता हूँ मैं सुबह उठते उठते, बिकॉज वो दो रीज़न है. इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर स्किन, इसलिए एक ग्लास उठते एकदम उठते उठते पानी पीता हूँ मैं. एंड एक बैड न्यूज़ भी है, उठते उठते जो आँख में ही देख रहा हूँ, मतलब आँख में इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया तो दर्द होता है एंड प्रॉब्लम क्रिएट होती है इससे भी. सो मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ फिर बात करें. Burn me out, love just breaks me down. Cold inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you. Visual active हमेशा messy रहती, कुछ ना कुछ भरा होता ही. मैं नीचे ट्राइपॉड लेने आया तो मुझे याद है कि मुझे एक चीज़ और दिखानी थी और शेयर करनी थी. वो कब हुआ मुझे पता नहीं बट 10 दिन या कुछ 8-9 दिन हो गए होंगे. सो मैं अभी दिखा रहा हूँ क्या है. देखो मेरी विंग सील हो गई थी जब मैं आपको बता था ना, ए विंग सील हो गई. बट अब मेरी विंग सील हो गई तो सील हुआ, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी इश्यू भी नहीं है. क्योंकि सील होने के बाद ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन हो जाती, एकदम बंद रहो घर में, कुछ भी नहीं है, आ जा सकते हैं नॉर्मल एकदम. जो बट जिसके घर में हुआ है कोविड और जिसको हुआ है वो बाहर नहीं आ सकता है अप्रॉक्स 14 दिन तक. तो सो बस हम तो नॉर्मली घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते. बट हाँ, बंद हो गया तो थोड़ा सा लगता है कि ऊपर नीचे हमारे विंग में हमारे अड़ोस पड़ोस में कोविड है. बट नॉर्मल इतना कोई टेंस की बात नहीं है. सो बस दैट्स इट. और अभी सुबह का मील सुबह का ये हो गया एंड ब्रेकफास्ट में आज इच्छा नहीं तो कर नहीं रहा क्योंकि धीरे धीरे आदत डालनी है, तो अभी मैं कर नहीं रहा. तो अभी सीधा लंच में मिलता हूँ और आगे कुछ और किया तो आपको मैं मिलूँगा, नहीं तो सीधा मैं अपने शाम के टाइम वर्कआउट पे मिलूँगा मैं. ठीक है, क्लियर, बाय बाय. तो नाउ गाइस इट्स लंच टाइम एंड लंच में मैं क्या कर रहा हूँ वो बता देता हूँ और कल देखो फिर बात करता हूँ. सो दिस इज़ लंच. लंच में क्या है वो बता देता हूँ मैं. दिस इज़ बाजरी रोटी, ये फली मतलब ग्रीन वेजी. ये तो फिर भी आपने सुना होगा, ये तो ये बहुत रेयरली सुना होगा ये क्या है. ये एक्चुअली जो इस रोटी बनती है ना बाजरे की, वो उससे ही सेम आटे से ये बनती है, मतलब राबड़ी इसको बोलते हैं. एंड एक सीन ऐसा है कि नॉर्मल जो आटा होता है ना, आटे में छाछ नमक डाल के इसको अच्छे से पकाते हैं और फिर ये बन जाती है. सो बस ये मेरा लंच है और लंच में खाना पीने में मैं बोला था इतना ध्यान नहीं दूंगा, बट थोड़ा धीरे 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 थोड़ा ध्यान दूंगा कब कितने टाइम पे क्या क्या खाना है. और हफ्ते हफ्ते में वो भी दिमाग में आएगा वैसे खाऊंगा मैं. अभी तो पहला दिन है तो थोड़ा ऐसे सोच के नहीं खा रहा हूँ मैं. सो वैसे भी वेजी है और भाजी आपको पता है प्रोटीन और सब मिल जाता है. सो बस लंच करते हैं फिर मिलते हैं बाद में. एंड नहाया नहीं होते इसलिए थोड़ा मैसी हूँ. ओके सो अब बज गए कुछ चार बज गए. एक्चुअली मैं एक्सरसाइज करता हूँ कुछ 5 या 5:30 बजे. अभी मैं बोर भी हो रहा हूँ, मुझे मन हो रहा है कि एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है. तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ और फिर देखते और क्या करता हूँ. और अभी सोच के रखा है मैं कौन से सेट मारने वाला हूँ. सेट कौन सा मारूँ तो देख लोगे, बट मैं कुछ अराउंड 6 या 7 सेट मारूँगा रेपिटेशन. कुछ वही 15-20 या उसके प्लस या माइनस में होंगे और बस इतने और देखते हैं.
summer days burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin. देखने में सीरियसली आपको बहुत शॉर्ट एंड सिंपल दिख रहा होगा, बट ट्रस्ट मी बहुत टफ था, बहुत डीप एक्सरसाइज बोलते हैं या बहुत इंटेंस एक्सरसाइज मारा था आज मैं, आज मारा था मतलब आज से मार रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चैलेंज से पहले जब मैं एक्सरसाइज करता था तब मैं एकदम इतना भारी नहीं, मतलब इतना इंटेंस नहीं करता था, बट नॉर्मल पोलाइटली करता था, बट अभी चैलेंज स्टार्ट इससे थोड़ा इंटेंस मार रहा हूँ मैं. सो आई मीन टू से दैट वर्कआउट इज़ कम्प्लीटेड एंड शोल्डर इज ऑल्सो पम्प एंड वॉम. सो अब इसको पैकअप करते हैं और नीचे चलते हैं, छोटा सा काम है वो पटा के आते हैं, फिर आगे देखते हैं. और शक्ल से दिख ही गया होगा अभी मेरी हालत क्या है. सो मैं अभी यहाँ नहाऊँगा नहीं, नीचे जाऊँगा फिर ऊपर आके फिर फ्रेश होऊँगा फिर मैं नहाऊँगा. तो अभी ऐसे ही नीचे जाऊँगा मैं, बस चलो. कम्प्लीट हो गया एंड मैं सोचा थोड़ी देर आगे साइकिलिंग कर लेते हैं. तो साइकिलिंग से याद है तो ये जो स्ट्रक्चर है साइकिल का ये वाला पार्ट थोड़ा चुपता है ये, तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक कवर लगा लूँ या कुछ आता है क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, तो इसको जाके चेंज करा लेंगे और एक राउंड भी हो जाएगा. वो थोड़ा दूर है तो एक राउंड में पूरा पट जाएगा. सो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं. सीट भी लग गई एंड साइकिल भी कम्प्लीट हो गई. ऊपर चलते हैं फ्रेश होके बाद में बात करते हैं. तो वर्कआउट कम्प्लीटेड, साइकिलिंग ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड एक दो काम था वो भी कम्प्लीट हो गया, फ्रेश भी हो गया एंड शोल्डर भी पम्प हो गया. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है. तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ा सा ये जो एडिट है वो एडिट कम्प्लीट करूँगा. आई होप ये रात तक मैं अपलोड कर दूँ, नहीं तो सुबह तक तो आ ही जाएगा. तो बस मिलते हैं रात को, बाय बाय. राइट नाउ इट्स 8 o'clock एंड डिनर टाइम. एंड डिनर में ये बहुत टाइम बाद खा रहा या खाता हूँ नहीं मुझे पता नहीं, बट इट्स ये सेम ग्रीन वेजी वापस गोभी. एंड ये भी खाने का टाइम हो गया, बट अब मेरे को भारी है नहीं भाई की मुझे पता नहीं, बट ये भी एक ताक सब मेरे लिए. एंड ये रोटी विदाउट घी है बट थोड़ा सा एकदम. एंड कड्डी बस इतना सा है, ये ख़त्म करता हूँ फिर मिलता हूँ. नाउ डिनर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड मेरा दिन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. एंड बस अब एक काम रहा, वो काम ये है कि खाना खाने के बाद सडनली बैठना या सोना नहीं, थोड़ा सा यहाँ घर में टहलना और थोड़ा क्योंकि खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए इसके लिए, और सीधे बैठना और सीधे खाना खाते ही पानी पीना दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा. इसलिए ना एक घंटे तक पानी नहीं पीना और घर में यहाँ टहलना है कम से कम 10-15 मिनट. सो बस इतना ही था आज के डे के लिए. और जिनेंद्र फ़ोन आया था मिलना है क्या, बट उसको थोड़ा लेट लगा, टाइम लगेगा. सो हमने चेंज कर लिया, आज नहीं मिलूँगा, मेरा भी थोड़ा मन नहीं, और कल मिलूँगा मैं. तो बस कल मिलते हैं, ये डे वन ख़त्म हुआ. और वीडियो अभी सोचा अभी डाल देता हूँ फटाफट, एडिट हो गया तो. और रात को भी कुछ करने के लिए नहीं है, बस अभी डिनर कर लिया, 10-15 मिनट टहलूँगा, बाद में फ़ोन देखूँगा एंड देन आई विल बी. मिलते हैं कल, तब तक ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कर देना.